नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और लगातार इंतज़ार हो रहा है कि सरकार आखिरकार किसानों की बात मानेगी। लेकिन तारीख दर तारीख पर मीटिंग्स हो रही हैं, अब क्या होगा आगे? 26 जनवरी भी नज़दीक है, इसके बाद क्या योजनाएं बनेंगी? हम लगातार बात करेंगे। किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, युद्धवीर जी हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन, उनसे बात करेंगे। और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि मीटिंग्स दर मीटिंग्स किसानों के साथ सरकार कर रही है, कितनी मीटिंग्स और होंगी अभी बाकी? देखिए, ये तो सरकार के रवैये पर निर्भर करता है। हम तो चाहते हैं एक मीटिंग में बात निमट जाए, ख़त्म हो जाए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार की जो अपनी रणनीति है वो तो उसमें हम दखलअंदाजी नहीं दे सकते। हम तो पहली बैठक में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि तीनों कानून वापस ले लें और MSP को जो है कानूनी दर्जा दे दिया जाए। दो मांगों को लेके हमारा आंदोलन, तो एक ही बात पर आप लोग अड़े हुए हैं कि सिर्फ MSP की गारंटी चाहिए और तीनों कानून रद्द होने चाहिए। संशोधन की बात तो सरकार कर रही है, संशोधन पे मान जाइए आप लोग। देखिए, 12 मांग थी हमारी जो हमने अपना डिमांड लेटर सरकार को सौंपा था शुरुआत में। किसान है, हम तो सीधे साधे किसान हैं। जब बातचीत शुरू हुई तो ये बात आई कि महत्वपूर्ण बिंदु चुन लो, बाकियों को अभी रहने दो, बाकी बाद में देखी जाएंगी। हमने 8 मांगे तो छोड़ दी जिन पे चर्चा ही नहीं की। सरकार बार बार हमसे कह रही है कि ये एक कदम भी पीछे नहीं हटते, एक कदम नहीं, हम तो 8 कदम पीछे हटे। 8 मांगे तो हमने छोड़ ही दी थी, 4 बची थी, 12 में से 4 भी अगर हमारी नहीं। अब सरकार बार बार प्रचारित कर रही है कि 2 मांगे मान ली, इनकी 4 में से 2 बची हैं। 2 मांगे 4 में से नहीं, 12 में से 2 मान ली, 12 में से 8 तो हमने छोड़ ही दी थी। तो सरकार को बढ़ना चाहिए, इन 4 मांग, 12 में से 4 मांग मनवाने की बात कर रहे हैं, 2 मान ली उन्होंने, उनका स्वागत किया, हमने 2 को और मान लिया, हम चले जाएंगे। लेकिन इस तरीके से तो कोई फैसला नहीं होने वाला है। सरकार नहीं मान रही, किसान भी नहीं मान रहे, तो क्या अगर आंदोलन लंबा खिंचता है इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? अभी सरकार जो बार बार, जैसे कृषि मंत्री ने कल भी बयान दिया कि सरकार बार बार ये कह रही है कि ये कुछ राज्यों का आंदोलन है, अधिकांश देश हमारे साथ है। तो हम भविष्य में सरकार के सामने ये साबित कर देंगे कि ये देशव्यापी आंदोलन है, पूरे देश का किसान हमारे साथ है। ये तो सर्दी थी, यहाँ पे सर्दी का जो मौसम था, अब बसंत आ गया, फरवरी का मौसम है, सुहाना मौसम शुरू हो जाएगा। जो दक्षिण और पश्चिम के भाई डरते हुए, मौसम से डरते हुए दिल्ली की तरफ नहीं आते थे, और हम भी नहीं लाना चाहते थे क्योंकि विपरीत परिस्थिति थी, उस मौसम के वो आदि नहीं थे, फरवरी से हम पूरे दक्षिण पश्चिम के किसानों को लाना शुरू कर देंगे यहाँ पर, और सरकार की ये शिकायत दूर कर देंगे कि ये कुछ राज्यों का आंदोलन है। हम इसको दिखा देंगे प्रत्यक्ष में लाके कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।